गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बीटा और गामा फंक्शन के बारे में, और बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बीटा फंक्शन जो है उसके तीन फॉर्मूले हमने पढ़े थे। सबसे पहला जो फॉर्मूला था हमारा बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डीएक्स। और फिर हमने इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बनाए थे। इसका जो दूसरा फॉर्मूला था बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to ∞ एक्स की पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डीएक्स। और इसी पहले फॉर्मूले से जो तीसरा फॉर्मूला हमने बनाया था वो था 2 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा कॉस 2m-1 थीटा डी थीटा। ये तीन फॉर्मूले हमने बीटा फंक्शन के पढ़े थे। उसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। ये हमने बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा। तो ये याद रखने हैं सारे फॉर्मूले। आगे जो भी हम फॉर्मूले पढ़ेंगे या क्वेश्चन करेंगे उनमें सारे फॉर्मूले यूज होंगे। दूसरा, उसके बाद हमने पढ़ा था गामा फंक्शन के बारे में। सबसे पहले तो गामा एन बराबर हमने देखा लिमिट इसकी 0 to ∞ एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये गामा फंक्शन था। फिर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने दो, गामा एन प्लस 1 बराबर एन गामा एन, और दूसरा था गामा एन प्लस 1 बराबर फैक्टोरियल एन। उसके बाद हमने देखा था गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा 1 की वैल्यू हमने याद की थी 1। इसी प्रकार हमने गामा हाफ की वैल्यू फाइंड की थी, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई। ये सारा हम कर चुके हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। बीटा एम एन बराबर गामा एन गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन। ये फॉर्मूला बीटा और गामा फंक्शन में जो रिलेशन है। उसके बाद हमने इसी फॉर्मूले से एक ये फॉर्मूला भी फाइंड किया था, साइन की पावर एम थीटा कोस की पावर एम थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा एन प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था इसी फॉर्मूले से। और उसके बाद में हमने ये देखा था, एक क्वेश्चन किया था कि गामा एम एन बराबर बीटा एम एन बराबर होता है बीटा एम प्लस 1 एन प्लस बीटा एम एन प्लस 1। ठीक है, तो हम इतना कुछ बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले तो जब भी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन को देख के हमें सोचना पड़ेगा भी इनमें से कौन सा फॉर्मूला हम लगाए, और वो तभी हो पाएगा जब हमें ये सारे फॉर्मूले याद। लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, ये होता है गामा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2^2 m-1 गामा 2m। सबसे पहले तो हम प्रूफ करते हैं कि ये इसके बराबर होता है, और फिर इसको आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं बीटा एम एन बराबर गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। एक तो हमें ये फॉर्मूला पता है, दूसरा फॉर्मूला हमें बीटा एम एन का ही पता है, वो होता है 2
जीरो टू फाइव बाई टू साइन टू एम माइनस वन थीटा कॉस टू एम माइनस वन थीटा डी थीटा। दोनों ही बीटा फंक्शन के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इन दोनों से जीरो टू पाई बाई टू, इसको मैं पहले लिख रहा हूं साइन टू एम माइनस वन थीटा कॉस टू एन माइनस वन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, या इसको मैं पहले लिख देता हूँ ना, इसको इधर ही लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अगर इस दो को हम इधर बटे में ले आते हैं तो गामा एम अपॉन टू गामा एम प्लस एम, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले से ये बराबर हमने दे दिया। अब क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है तो एक तो हमें इसमें क्या चाहिए, गामा एम प्लस हाफ। तो गामा एम प्लस हाफ के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, इसमें क्या करें कि गामा एम प्लस हाफ ये टर्म आ जाए हमारे पास, तो हम इस n की जगह एक बटे दो रख देते हैं वन बाई टू, तो गामा वन प्लस हाफ वाला टर्म हमारे पास आ जाएगा। तो n बराबर एक बटे दो रखने पर ये टर्म हो जाएगा हमारे पास m गामा वन बाई टू अपॉन टू गामा n प्लस वन बाई टू। और इस तरफ क्या हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू साइन टू एम माइनस वन थीटा कॉस। में जब आप यहाँ एन की जगह वन बाई टू रखोगे तो वन बाई टू से वन बाई टू टू से मल्टीप्लाई करोगे तो वन, और वन माइनस वन जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो ये सीधा मैं डी थीटा लिख देता हूँ। समझ गए होंगे, एन की जगह एक बटे दो जब रखोगे तो दो से दो कट जाएगा और एक बचेगा यहाँ पे, और वन माइनस वन जीरो, और केस कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर वन। उसके बाद सेकेंड में इस तरफ करता हूं मैं, दूसरा हमें इसमें क्या चाहिए, आप देख सकते हो गामा यहां ये है गामा टू एम। अब एक हमें टर्म गामा 2m का भी चाहिए, तो इस फॉर्मूले में क्या रिप्लेस करें हम कि गामा 2m का टर्म हमें मिले। तो उसके लिए n की जगह अगर हम m रख दें तो ये m प्लस m गामा 2m बन जाएगा। तो सेकंड में n इज इक्वल टू m रखने पर ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो है ये तो बन जाएगा गामा एम अपॉन टू गामा टू एम, ठीक है। यहाँ गामा एम और एम की जगह भी एम रख दिया तो गामा एम और बटे में टू, यहाँ दोनों एम प्लस एम टू एम, तो गामा टू एम इस तरफ जब हम लिखेंगे तो बराबर जीरो टू पाई बाई टू, ये तो सेम ही रहेगा साइन टू एम माइनस वन थीटा, और ये हो जाएगा कोस 2m की जगह m रखेंगे cos 2m minus 1 theta d theta। तो यहाँ हम लिखेंगे sin 2m minus 1 theta cos 2m minus 1 theta d theta, ठीक है। हमने इस इक्वेशन में इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, पहले तो n इक्वल टू 1 बाई 2 रखा, दूसरे में हमने n इक्वल टू m रखा। अब इसको और सरल करते हैं आगे, 0 टू पाई बाई टू, इसको हम दोनों की पावर सेम है तो इसको लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और पूरे की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब हम साइन टू थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको साइन टू थीटा बनाने के लिए हम इसमें दो का ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर जब दो से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 0 टू पाई बाई 2। ऊपर जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा वो तो हो जाएगा साइन 2 थीटा और इसकी पावर 2n माइनस 1। और नीचे जो 2 था इसको बाहर निकाल लेते हैं तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी ये, तो इसको मैं 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1। इस 2 को तो बटे में जो 2 था उसको तो हमने बाहर निकाल लिया, उसके ऊपर ये पावर आ गई और 2 sin theta cos theta ये मिलके sin 2 theta हो गया d theta। या इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन 2m माइनस 1 0 टू पाई बाई 2 sin 2m माइनस 1 2 थीटा d थीटा, ठीक है, ठीक है। अब इस टर्म को हम इस टर्म के इक्वल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल सके। तो उसके लिए यहाँ sin थीटा भी टर्म में है जबकि वहाँ 2 थीटा है, तो हम इस 2 थीटा को थीटा के टर्म में लिखने के लिए मान लेते हैं, माना 2 थीटा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी 5, यानी डी थीटा इज इक्वल टू डी 5 बाई 2। जब इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेस टू पावर 2m माइनस 1 साइन 2m माइनस 1 2 थीटा की जगह 5 और d थीटा की जगह d 5 बाई 2। लिमिट भी चेंज हो जाएगी जब यहाँ पे आप देखोगे थीटा की वैल्यू में, जब थीटा की लिमिट 0 है, थीटा की जगह 0 रखोगे तो 5 की वैल्यू भी क्या आएगी 0, और जब थीटा पाई बाई 2 है या पाई बाई 2 रखोगे तो 5 क्या आएगा 5, तो इसकी लिमिट भी चेंज हो गई 0 टू पाई। अब इस 2 को दोबारा निकाल लेते हैं, तो मैं यहां से सीधा ही इस 2 को यहां लिख लेता हूं 2 इंटू, ठीक है, उस 2 को दोबारा निकाल लिया। अब इसके जैसा बनाने के लिए आप देखोगे कि बाकी तो ठीक है, पर यहाँ इसकी लिमिट है वो 0 टू पाई है जबकि यहाँ लिमिट इसकी 0 टू पाई बाई 2 है, तो उसकी लिमिट भी 0 टू पाई बाई 2 में चेंज करने के लिए आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यही बता देता हूँ मैं। अगर लिमिट हमें दे रखी हो 0 टू 2n fx dx, ठीक है, तो अगर हम fx x की जगह अगर हम 2n माइनस x ये रखें और अगर वो फलन वापस fx के बराबर आ जाए तो ये जो फलन है ये क्या बन जाता है 2 लिमिट इसकी 0 टू n fx dx। और यदि ये जो f 2n माइनस x ये माइनस fx के बराबर आए तो ये हो जाता है 0। कक्षा 12th में आपने ये पढ़ा होगा जहाँ समाकलन पढ़ते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला होता है कि fx में अगर इसकी लिमिट का योग माइनस x यानी 2n प्लस 0 2n माइनस x जब आप इसमें रख के देखोगे तो अगर ये fx के बराबर आ गया तो 2 बाहर आ जाएगा इसमें और लिमिट रह जाएगी 0 टू n fx dx। पर अगर x की जगह आपने 2n माइनस x रखा और ये माइनस fx के बराबर अगर आ गया तो इसका जो हल है वो क्या होगा 0।
ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करते हैं, मैं इस तरफ से मिटा देता हूँ, ये वाला मिटाता हूँ यहाँ से, तो जब आप अब इस वाले फॉर्मूले में उस फॉर्म में जब हम लिख के देखें तो ये लिखेंगे 1/2 raised to power 2m-1 2 into लिमिट 0 to π, पाई को हम लिख सकते हैं 2 into π/2 sin 2m-1 π dφ, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला, ये जो मैंने बताया कक्षा 12th वाला जो फॉर्मूला है वो आप यूज करके देखोगे, यानी यहाँ साइन में रख के देख लेते हैं, साइन विषम पाई हो गया 2m-1 का मतलब विषम पावर है इसकी, ऑड पावर है, कोई भी साइन की पावर 1, 3, 5, 7 कुछ भी आप रख के देखोगे, और यहाँ n वहां पे क्या दे रखा है 2n-x, तो 2n का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा π-x, या पाई माइनस, यहाँ थीटा है तो हम थीटा रखते हैं, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और आपको पता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का जो फंक्शन है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा वापिस साइन थीटा, तो यानी इस जब आप एक्स या थीटा की जगह या एक्स की जगह 2n-x रखते हैं और वापिस वो एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो यहाँ पे 2n है उसमें से 2 को बाहर लिखते हैं और उसकी पावर 0 to n, तो यहाँ पे भी ये एफ एक्स के बराबर ही आ रहा है वापिस, तो हम क्या करेंगे अगली लाइन में, यहाँ से 2π/2 में से हम 2 तो बाहर ले लेंगे और लिमिट इसकी बचेगी 0 to π/2 sin 2m-1 π dφ, ये बचेगा। ओके, अब भी जगह हमारे पास कम बची है, ये आप लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं इसको, मिटाने की जरूरत है देखता हूं, तो हमारे पास चलो थोड़ा सा आगे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो ये 2 से तो ये 2 कट जाएगा, ये क्या बचेगा 1/, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो हमारे पास बचा 1/2 raised to power 2m-1, इसी को लिख देता हूँ, और 0 to π/2, अब इसको हम phi को थीटा में बदल लेते हैं, कोई चेंज नहीं आता उसमें, आप पढ़ा होगा आपने, तो साइन 2m-1 θ dθ, तो हमने इसको सरल किया और सरल करते 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 हम यहां पे आ गए, मिटाना ही पड़ेगा, इसको मैं यहाँ नीचे इसके नीचे ही लिख देता हूँ ना, मिटाने में फिर वही गड़बड़ होगी, तो इसको जब सरल किया ये आ गया, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो 2 की पावर 2m-1 है इसको मैं उस तरफ भेज रहा हूँ ताकि हमारे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ ये बचे, और फिर हम इन दोनों की तुलना कर सकेंगे, तो वहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, जब इसको भी आप उधर ले जाओगे 2m-1 γm/2γm = यहाँ पे क्या होगा आपके पास 0 to π/2 sin 2m-1 θ dθ, और
इक्वेशन 2 से हम जानते हैं कि ये जो है इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो इसको भी बराबर लिख देता हूँ मैं, m गामा हाफ अपॉन 2 गामा m प्लस हाफ। तो ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो यानी ये दोनों आपस में, ये और ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर है। अब मैं इस तरफ से मिटा रहा हूं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं इनको बराबर लिख देता हूं पहले, तो 2n-1 गामा m गामा m अपॉन 2 गामा 2n, ठीक है। तो ये वाला लिख दिया मैंने, अब ये वाला इसके बराबर गामा m प्लस हाफ, सॉरी हाफ अपॉन 2 गामा m प्लस हाफ। दूसरा आप इसमें ये भी लिख सकते हो, गामा 1/2 की वैल्यू हम जानते हैं, अंडर रूट पाई होती है, तो मैं इसकी जगह सीधे इसकी वैल्यू रख देता हूँ अंडर रूट पाई। अब इस गामा m से एक गामा m काट देते हैं, इस 2 से ये 2 काट देंगे, और m प्लस 1/2 इसको इधर ले आते हैं और इस 2 की पावर 2m-1 को उधर भेजते हैं, तो हमारे और इस गामा 2m को भी उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास बचेगा ये गामा m, उसको इधर लाएंगे, गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई तो है वहां, इसको उधर ले जाएंगे तो 2^2m-1, और इस गामा 2m को भी उधर ले जाएंगे तो गामा 2m। ये आपका लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन फॉर्मूला या द्विगुणन सूत्र होता है और ये इसका प्रूफ है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है और ये इसका प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए। तो अब अगला जो फॉर्मूला हम देखेंगे इसका बीटा फंक्शन का लास्ट फॉर्मूला है और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने पढ़ा था गामा फंक्शन में एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -ax dx, इसकी वैल्यू होती है गामा n अपॉन a की पावर n, जहां पे a कोई वास्तविक संख्या है। अगर हम इस वास्तविक संख्या a को किसी काल्पनिक संख्या से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा देखते हैं। तो a की जगह है, यानी वास्तविक संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस करते हैं या सम्मिश्र संख्या से बदल देते हैं, तो a की जगह z रखने पर, जहां z सम्मिश्र संख्या है a प्लस माइनस आयोटा b टाइप की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू गामा n अपॉन z की पावर n, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहां पर आपको मैंने बताया z एक सम्मिश्र संख्या है जो कि a प्लस माइनस आयोटा b टाइप की, तो हम यहां पे z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b लेते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर प्लस क्यों नहीं लिया, a प्लस आयोटा b तो ले सकते हो, ले सकते हैं, पर जो हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है उसके लिए माइनस का ही जरूरी है, और मैं थोड़ा सा आगे चल के फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने माइनस क्यों लिया और आपको समझ में भी आएगा उस जगह कि हाँ माइनस लेने से ये सरल कर सकते हैं। तो
जेड की जगह ए माइनस आयोटा बी लेने पर ये हो जाएगा 0 to infinity ई की पावर माइनस ए माइनस आयोटा बी जेड की जगह एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन जेड की पावर एन जेड की जगह हम ए माइनस आयोटा बी की पावर एन ये हो गया जेड की जगह हमने ए माइनस आयोटा बी रखा। जब इसको और सरल करोगे तो 0 to infinity e की पावर माइनस ए एक्स इंटू अलग अलग x को मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लेते हैं e की पावर आयोटा डी एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा n अपॉन a की पावर माइनस आयोटा बी n। और इसमें हम रेशनलाइजेशन या प्रमेयकरण करें अगर a प्लस आयोटा b की पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ये हमने इसका प्रमेयकरण कर दिया है। ओके, उसके बाद में हमने सम्मिश्र संख्याओं में पढ़ा हुआ है कि a बराबर हम क्या ले सकते हैं r cos थीटा मान लेते हैं, b बराबर r sin थीटा, ठीक है, a बराबर r cos थीटा यहाँ और b बराबर r sin थीटा लेते हैं। तो जब दोनों का स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ेंगे, पढ़ा ही होगा ये आपने, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्क्वायर करके जब जोड़ोगे तो sin स्क्वायर r स्क्वायर तो इसमें कॉमन आ जाता है, इधर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक हो जाता है, तो r स्क्वायर बराबर आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और tan थीटा बराबर जब हम इसमें इसको इससे भाग देंगे हम तो sin बटे cos tan थीटा बराबर होता है b अपॉन a या थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a। ये हम ये मान a की जगह r cos थीटा और b की जगह r sin थीटा इसमें रखते हैं इस इक्वेशन में तो हमें मिलेगा 0 to infinity e की पावर माइनस ए एक्स उस तरफ रखेंगे यहाँ पे, यहाँ एक बार ये ऐसे ही रखते हैं x की पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा n अपॉन, अब इनका जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो दोनों के ऊपर पावर n हो जाएगी, a माइनस आईटा भी और a प्लस आईटा भी की इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ए और बी की ये वैल्यू रख देते हैं तो ए की जगह आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा की पावर एन, ठीक है, ए और बी की जगह हमने आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा रख दिया। अब आपने यहाँ से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हमने ये माइनस का क्यों लिया था, इसीलिए लिया था ताकि जब जो बाहर माइनस